सो ही गेम बस आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आप कैसे बिल्कुल फ्री में ले सकते हो फ्री फायर का ऑफिशियल कस्टम रूम। आप सभी लोगों को पता हुआ फ्री फायर का ऑफिशियल कस्टम रूम क्या होता है, एंड जिसको भी नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। जो भी बड़े बड़े फ्री फायर का टूर्नामेंट होता है ये सभी टूर्नामेंट इसी कस्टम रूम से करवाए जाते हैं, एंड ये कस्टम रूम सिर्फ बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर लोगों को ही मिलता है। सर क्या आपको भी चाहिए ये कस्टम रूम, से इस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना। एंड चलो आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा सो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एंड इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो देखना चाहता हूँ सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को याद से दबा देना। तो चलो अपना टाइम वेस्ट किए आज को डे स्टार्ट कर लेते हैं। सो बात करें बिल्कुल फ्री में फ्री फायर का ऑफिशियल कस्टम रूम कार्ड लेने की, सो आज को आप सभी लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसको यूज करोगे सो आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियल कस्टम रूम कार्ड ले पाओगे। सो चलो पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टिप्स की तरफ। सो क्या आपके पास एक YouTube चैनल है, YouTube चैनल आप डेली का डेली टूर्नामेंट्स करवाते हो, सो आपको मिल सकता है फ्री फायर की तरफ से बिल्कुल फ्री में ऑफिशियल कस्टम रूम। क्योंकि आप सभी लोग को पता है YouTube में ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो फ्री फायर का टूर्नामेंट्स करवाते हैं, उसी तरीके से आप भी टूर्नामेंट्स करवाओगे सो आपको भी मिल सकता है फ्री फायर का ऑफिशियल कस्टम रूम। सो चलो बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टिप्स की तरफ। आपको सेकेंड टिप्स करना का है आपको अच्छे अच्छे बंदे के साथ कॉन्टैक्ट बनाना है, जैसे कि फ्री फायर का जो भी मॉडरेटर होते हैं जो इंडिया सर्वर को संभालते हैं उन लोगों के साथ आप अच्छे अच्छे पर कॉन्टैक्ट बना ले तो, एंड उन लोगों को बोलो कि फ्री फायर का टूर्नामेंट्स करवाने के लिए हमें ऑफिशियल कस्टम रूम चाहिए फ्री फायर का, सो उन लोग दिला सकते हैं। और आपको फ्री फायर की तरफ से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें जो भी लिखा हुआ होगा उसको आपको डाल के सबमिट करना है, एंड सबमिट करने के बाद अगर आप इलिजिबल हो जाएंगे एंड आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, एंड आपको फ्री फायर की तरफ से आपको एक फ्री फायर का ऐसा आईडी दे दिया जाएगा जिसमें आपको फ्री फायर के काफी सारे ऑफिशियल कस्टम रूम कार्ड होंगे, एंड उस कस्टम को कार्ड के जरिए आप फ्री फायर का टूर्नामेंट होस्ट कर पाओगे। एंड ये थे आपका दूसरा टिप्स। सो चलो बढ़ते हैं हमारे तीसरे टिप्स की तरफ। सो तीसरा टिप्स सच में काफ़ी अच्छा है, तो आपको तीसरा टिप्स में आपको करना क्या है, अगर आपके YouTube चैनल बहुत ही ज़्यादा कम सब्सक्राइबर है तो आपको बड़े YouTube के साथ कॉन्टैक्ट करना है, बड़े नहीं तो आप छोटे YouTube के साथ भी कर सकते हैं। एंड आपको एंड कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है, एंड उस टूर्नामेंट में आपको सभी यूट्यूबर को इन्वाइट कर लेना है, एंड इन्वाइट करने के बाद आप उस टूर्नामेंट को ऑफिशियल जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर करवाते हैं उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपका चैनल भी ग्रो होगा। एंड उसके साथ साथ अगर उस टूर्नामेंट को बड़े बड़े यूट्यूबर या फ्री फायर का मॉडरेटर देखेंगे तो आपको उसी तरीके से और टूर्नामेंट्स करवाने के लिए आपको फ्री फायर का ऑफिशियल कस्टम रूम भी दिया जाएगा, एंड ये सच में होता है सो आप ट्राई करके देख सकते हो। सो यही तो कुछ ऐसे टिप्स जिसको यूज करोगे तो आप फ्री फायर में बिल्कुल फ्री में फ्री फायर का ऑफिशियल कस्टम रूम ले पाओगे। एंड मेरे को पता है ये सभी लोग नहीं कर सकते, तो जो भी कर सकते हैं वो ले पाएगा, एंड जो भी नहीं कर सकते हैं वो ऐसे ही नॉर्मल कस्टम रूम से काम चला लेना यार क्या कर सकते हैं। सो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो में कोई भी सब प्रॉब्लम आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को याद से दबा देना, एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।